हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज भी हम बात करने वाले भाई बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस शो कल था जिसमें वीकेंड का वार। तो वीकेंड के वार से पहले आप सब लोगों ने देखा होगा यार, एक टास्क हुआ था जिसमें पाप के घड़े वाला, वो टास्क ऑलमोस्ट सही चल रहा था। पहले देविका ने मना किया था, जब देविका को बुलाया गया था तो देविका ने मना किया, लेकिन बिग बॉस ने उसको बोला एक टास्क दिया गया है जिसे आप अच्छी तरीके से पूरा करें। तो वो टास्क देविका ने फिर कर दिया, फिर देविका ने जो जैसे जैसे किया, फिर आता भाई पूजा भट्ट का नंबर। पूजा भट्ट, एक तो आप ये चीज देखो कि किस लेवल पे खेल लिए गेम को भाई। इंडस्ट्री में कोई भी उनको कुछ कहने वाला नहीं है, उसे पता है कि सलमान खान वगैरह कोई उसे कुछ कहने वाला नहीं है। तो क्या सबसे बड़ी जो गंदी बात मुझे उसमें ये लगी, और जिसके बारे में सलमान खान तक ने बात नहीं की, छोटे लोग छोटी सोच। इससे पहले भी पूजा भट्ट काफी बार यूथ के बारे में और बहुत सारी चीजें बोल चुकी है, जिसके बारे में अभी तक सलमान खान हो, बिग बॉस हो, किसी ने भी बातें जो है नहीं की है। अगर कोई और उन बातों को करते हैं तो तुरंत वो ऑक्शन ठा लिए जाते हैं। तो यार, एक तो पूजा भट्ट को बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा है बिग बॉस का घर। पूजा भट्ट ने अगर नहीं किया टास्क तो पूजा भट्ट ने अगर अपने मैं अपने ऊपर डाल लूंगी, यही यूथ ऐसे है, जबकि जिसका उन्होंने नाम लिया वो तुरंत उठ के आई और वहां पे खड़ी हो गई। उसके बाद भी उन्होंने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया, बिग बॉस मैं नहीं करने वाली, फलाना नहीं करने वाली हूँ, ढिमकाना नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हुई जिसमें पूजा भट्ट को बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला गया। मुझे समझ में एक चीज नहीं आती कि क्यों नहीं बोला गया। उसके बाद वही चीज देविका ने भी भाई रिपीट, जब एक बंदा कर रहा है तो दूसरा बंदा तो ऑब्वियसली करेगा यार, दूसरा बंदा तो ऑब्वियसली करेगा। टास्क को ही करने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि घर में मेन पॉइंट होता है टास्क करना, ठीक है, वो कर ही नहीं रहे। जो जो कर रहे, देखो एलविश यादव जब से गया है भाई, हमारा एलविश यादव भाई जब से गया ना, हर टास्क हर काम अच्छी तरीके से कर रहा है। लेकिन अविनाश ने भी यही ठान रखी है कि कुछ नहीं करना है। पूजा भट्ट ने भी अब यही ठान लिया कि कुछ नहीं करना है। देविका ने भी यही ठान लिया कुछ नहीं करना है, पर इन्हें बोलने वाला कोई नहीं है। देविका को, जबकि सलमान खान ने वीकेंड के बाद जैसे ही शुरू हुआ तो देविका को बोला, लेकिन पूजा भट्ट को क्यों नहीं बोला भाई। एक तो आप एक ही बंदे को बोल रहे हो, दूसरे बंदे को आप क्यों नहीं बोल रहे हो, सबसे बड़ा रीजन ये है। अगर आप बोल रहे हो तो दोनों जनों को बोलो ना। सबसे पहले जिसके चक्कर में टास्क खराब हुआ वो है पूजा भट्ट। अपनी बहन के फॉलोवर्स गिनवा रही थी ना आलिया भट्ट के, तुझे क्या लेना देना है, वो अपने फॉलोवर्स गिनवाए चाहे कुछ भी कर रहे हैं। बिग बॉस शो में कल दिखा रहे थे इतने फॉलोवर्स सलमान खान तुम्हारे, अरे सलमान खान कब से काम करता हुआ रहा, इतने फॉलोवर्स हो गए उन्होंने, 5 साल में 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हैं, 20-20 मिलियन फॉलोवर्स केवल 5 साल में। सलमान खान को कितना टाइम हो गया, अगर 100 मिलियन है तो टाइम का एक पीरियड देखो ना यार। बिग बॉस बोलता रहा है 100 मिलियन तुम्हारे हैं, कलर्स टीवी कितने टाइम से चल रहा है, कितने टाइम से चल रहा है यार, कोई जवाब दो इस चीज का मुझे यार। तुम्हारे शो काफी टाइम से चल रहे हैं, ठीक है तुम्हारे 100 मिलियन है, 150 मिलियन है, लेकिन अपने टाइम पीरियड देखो कि तुम कितने टाइम से उस चीज में काम कर रहे हो। और उस दूसरे बंदे को देखो जो अभी इस लाइन में आया है, लेकिन वो काफी हद तक तुमसे जल्दी अपनी चैनल को ग्रोथ कर पाया है। वो चीज देखो यार, बिग बॉस सलमान खान देखो इस चीज को, क्योंकि यूट्यूबरों की तुम्हारे निगाह में कोई अहमियत नहीं लग रही है। अब ये जो गेम जो चल रहा है ना भाई, रियलिटी में आपको बताता हूँ, ये यूट्यूबर वर्सेस बॉलीवुड हो चुका है। अभी तक देखो, कल इन्होंने पूजा भट्ट को चलो कुछ नहीं बोला, फुकरा इंसान को इन्होंने बहुत सारी बातें बोली फॉलोवर्स, फुकरा इंसान की जबकि कुछ बातें थी जो कि गलत थी। उसमें से जो एलविश यादव को लेकर बात थी भाई, वो तो एक्चुअल में गलत थी, ठीक है ना। एलविश यादव ने भाईचारा निभाया अपना, लेकिन फुकरा इंसान ने गलती की है यहाँ पे भाई। जो बात है वो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई जो गलती है वो गलती है, और वो चीज एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए थी। जब एलविश यादव बार बार कह रहा है मेरा भाई तू है, भाईचारा पूरा नेक्स्ट लेवल रहेगा, तो फुकरा इंसान को जब उनकी मदर आई थी तो वो बात नहीं करनी थी भाई। कोई भी बिग बॉस शो जीतो, एलविश यादव का सीधा सीधा कहना ये था
कि कोई भी मैं जीतू चाहे तू जीते लेकिन विनर हम में से एक होगा। लेकिन फुकरा इंसान एक तरीके से गेम काफी हद तक समझ चुका है और समझने के बाद काफी हद तक नेक्स्ट लेवल जाकर खेल रहा है यार। उसको गेम से मतलब है और किसी चीज से इस टाइम में मतलब नहीं है, उसे ट्रॉफी। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। लेकिन 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 सलमान खान भाई तुम बेशक इस शो को होस्ट कर रहे हो लेकिन भाई सबका ठीक कहना है, जो जो इस शो में है सब अपनी जनता लेकर आए हैं। मैं बिग बॉस शो नहीं देख रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिग बॉस नहीं देखते थे, लेकिन जब से एलविश भाई पहुंचा है वहां पे बिग बॉस शो काफी हद तक ज्यादा देखा जा रहा है। और जियो सिनेमा सुन लो भाई, जियो सिनेमा और जो भी बिग बॉस भी जिनके बारे में बात कर रहा था भाई, रेटिंग ना एक पे आ गई थी, भूलो मत ना। एलविश यादव ना पहुंचता ना ये चार तक दोबारा नहीं पहुंचनी थी यार। सब उल्टी उल्टी बातें, पूजा भट्ट को कुछ बोलना नहीं है, आंसू टपका के दिखा रही है। आप देखो यार किस तरीके से आंसू टपका रही है बिना मतलब ड्रामे, यानी कि अपने मूवीज के ड्रामे यहाँ पे उनके चल रहे हैं। एक तो सारे काम को बीच में जरूर बोलना, हर चीज के बीच में जरूर बोलना पूजा भट्ट की भाई बहुत गंदी आदत है। बात किसी की भी चल रही हो पूजा भट्ट जरूर बोलेंगी, मैं सीनियर हूं ना मैं बोलूंगी। अरे तुम सीनियर हो ठीक है लेकिन ये बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के घर में सब एक लेवल पे है भाई। तुम छोटे लोग कैसे कह सकती हो? एलविश फुकरा इंसान ने इस चीज के बाद ऑब्जेक्शन उठाया, बहुत अच्छा किया। यहाँ पे भाई छोटे लोग नहीं है, एलविश यादव को भी ये बात करनी थी लेकिन एलविश यादव ने आराम से इस चीज को सॉर्ट आउट किया, बाद में पूछा है। लेकिन छोटे लोग छोटी सोच, तू ये बड़ी इंसान है क्या, तेरी सबसे बड़ी सोच है क्या, बताओ ना, बड़ी सोच ज्यादा लेके पैदा हो गई है? इतनी बड़ी सोच तो तेरी भी ना है, तू भी छोटी सोच वालों में से ही है। देखा जाए तो ये भी छोटी सोच वालों में से ही है भाई। अगर ये छोटी सोच वालों में से ना होती तो बिग बॉस के घर में आने की जरूरत पड़ रही, फ्रेम कम था इसके लिए। छोटी सोच खुद की है, यूथ को गाली देती है, हर चीज गंदी हरकत करती है, लेकिन बिग बॉस शो में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है इसको। इसने यूथ के बारे में बोला भाई, यूथ इसका क्या बिगाड़ रहा है? यूथ ने कुछ लेके खा लिया इसका? यूथ के बारे में बात करती है, यूथ 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 यूथ, अरे तेरा क्या ले लिया यूथ ने? तू यूथ में नहीं थी किसी टाइम पे? तेरा यूथ ठीक था उस टाइम पे? यूथ की बात करती है, हद है यार। सबके सब घर में एक लेवल पे पूजा भट्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा जी कहकर बोलते हैं, हर तरीके से यार अच्छी तरीके से बात करते हुए देखा है आपने? कभी भी किसी को अच्छी तरीके से गलत वे में पूजा से बात करते हुए नहीं देखा होगा पूजा भट्ट से। कल पहले तो आशिक उसे गिनवा रही थी कि मेरी बहन के इतने वो हैं फलाना ढिमकाना, अरे उसके है ना, तुझे क्या फर्क, तेरे पे क्या जोर है, तेरे तो नहीं है ना, और होने भी नहीं तेरे जैसी के, तो होने भी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं होने पूजा भट्ट तेरे नहीं होने, वो आलिया भट्ट है, उसने बना लिए, उसे घमंड नहीं है, तुझे किस चीज का घमंड हो गया फिर? तू अपनी बहन के क्यों गिनवाने लगी? जब सब फॉलोअर्स गिनवा रहे तो तू गिनवाने पे क्यों आई? तूने नहीं गिनवाए, कल तूने भी तो वही गलती की जो बाकी सब कर रहे हैं। अगर तुम उस चीज के बारे में नहीं बोलती तो क्या हो रहा था? जवाब दो भाई इस चीज का भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट्स करके बताओ यार कि क्यों पूजा भट्ट को इतना ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, बिग बॉस शो के उसमें जाके कमेंट करो कि क्या ये सच में बॉलीवुड का एक, मुझे लगता है भाई इस तरीके से शो ये पूजा भट्ट को जिता देंगे, जो इनके तरीके हैं जो भी चीज है इस तरीके तो सीधा दिख रहा है भाई। तुम पूजा भट्ट को एक लेवल पे नहीं आउट ऑफ लेवल पे जाके सपोर्ट कर रहे हो, आउट ऑफ लेवल, तो सीधी सी बात है भाई जिता दो पूजा भट्ट को फिर से, फिर बाकी सबको बुलाया ही क्यों है भाई? बुरा लगा, मन से बुरा लगा, पूजा भट्ट ने दो बातें ऐसी गलत गलत बोली है, एक तो यूथ के बारे में जो सबसे बड़ी गंदी बात जो की है यूथ के बारे में की है, और सेकेंड ऑप्शन
भाई उम्र ज्यादा नहीं है, इतने भी 51 साल सबकी उम्र है, पर यूथ के बारे में बोलने का डिसीजन किसी ने किसी को दिया नहीं है। तुम यूथ के बारे में नहीं बोल सकती। बस यार यही लोगों आप लोगों से कहना था, देखो सपोर्ट करो एलविश यादव भाई को। एक वही इंसान पूरे शो में ऐसा है जो कि नहीं बनना चाहता, ना ही कुछ ऐसा दिखा रहा है जो कि गलत वे में हो। तो भाई सपोर्ट फॉर एलविश यादव, वोट फॉर एलविश यादव, ओनली एलविश यादव। अगर आपको वोट करनी है तो एलविश यादव भाई को करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो। मिलते हैं इसी के साथ और किसी वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं।